सहारनपुर में एक मासूम बालिका फिर दरिंदे का शिकार हुई। घर के पास खेल रही करीब 6 वर्षीय बालिका को कस्बे का ही रहने वाला एक युवक भला फुसला कर कस्बे के कादरपुर रोड पर एक गेहूं के खेत में ले गया। आरोप है कि युवक ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट कस्बे की है। बच्ची के चिल्लाने की आवाज पर वहां से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे। भीड़ को आते देख दरिंदा फरार हो गया। खबर लगते ही परिजन भी आ गए। परिजन और एक सामाजिक संस्था की कार्यकर्ता शाहीन परवीन बालिका को लेकर कोतवाली बेहट पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की जाने की मांग की। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मेरा नाम शाहीन परवीन है। मैं परवार सामाजिक संस्था और दिशा सामाजिक संस्था के साथ काम करती हूँ। मैं यहाँ क्षेत्र में काम करती हूँ। तो सना नाम की बच्ची जो कि मोहल्ला माजरी में रहती है, मेरे पड़ोस में है, तो उसकी माँ रोती हुई मेरे पास आई और उसने बताया कि मेरी बच्ची 6 साल की, जिसकी मैंने स्थिति देखी और उसको फौरन हम थाने ले कर आए। उसको राहगीरों की बचाया गया और उसके साथ रेप की घटना हुई और वो बच्ची, वो तो मेडिकल से ही मालूम होगा कि कितना स्थिति उसकी है, और उसकी तहरीर थाने में दे दी गई है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है और उसके बाद अब लड़की को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे केसों को बिल्कुल दबाया नहीं जाए। कानून बना है तो कानून के जरिए उनको, जो गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। गुनहगार को कभी भी बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी पड़ोस में तफ्तीश करके आए हैं। थाना गया था, सब गए तो मालूम हुआ कि वो लड़का बहुत ज़्यादा आपती है और उस तरह से लोग दिखावे के लिए वो 40-40 दिन के जमात में भी जाता है और अपनी फेस को भी ऐसे बनाए हुए हैं कि कोई उसको ना कहे। और घर में जब जाते हैं तो माँ ये कह देती है कि इसका तो दिमाग ख़राब है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, जो लड़कों ने बताया है कि उसने एक पशु के साथ भी इस तरह की घटना की, एक बहू के साथ भी उस तरह के उसने एक सोच उस प्रस्ताव रखा, तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल कभी भी कानून नहीं छोड़ेगा अगर हम कानून का सहारा लेंगे तभी। और इसमें कानून का सहारा लिया गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सलाखों के पीछे जल्दी ही होगा।